Belzo.tv is bringing today a well-known publicist. Unfortunately, he is not with us right now, but here is the well-known publicist Vasanthbhai Thakkar, and we have Champaben Thakkar. Unfortunately, both of them, they are not present. Champaben has just passed away among us, and she was a living life legend, and we have enjoyed her company for many years. She was 91 years when she passed away. We have another character to whom I would like to introduce is Vandana Thakkar. Unfortunately, she passed away in an accident, and she is the daughter-in-law of Mr. Vasanthbhai Thakkar. Mr. Vasanthbhai has got one son, and his name is Piyush Thakkar. We have come today at Piyush Bhai's place, and here is Piyush Bhai. Yeah, and Piyush Bhai is also a legend in his own field. We have Piyush Bhai. I would like to introduce her in the Belzo.tv as a percussion musician, as well as he is the artist. He contributed in lot many pictures in the film industry, and like Vasanthbhai Thakkar, who started his career from Raj Kapoor, Barsaat, Aag Awara, etc., etc., to Ramanand Sagar and Ghoonghat and lot many other things. Let me continue the same legendary things with Piyush Thakkar. Piyush Bhai! Hello! Hi! Hi! Have a seat. See, I would like to introduce my all viewers and Belzo.tv that today I have Piyush Bhai. I am at his home place, and we would like to chat about those memorable days when R.D. Burman was there, when there was lot many legends were there with whom Piyush Bhai worked. Piyush Bhai ne jo kaam kiya hai uske baare mein unki zabani ab hum sunenge. Piyush Bhai, जो आपने काम किया विजय भट्ट से शुरू करके कहाँ कहाँ तक आप गए उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना. हम जब यहाँ आए हैं तो चाहते हैं कि दर्शक जाने कि आपने क्या क्या काम किया. आपने प्रोडक्शन से स्टार्ट किया मेरे ख्याल से. जी हाँ, मैं प्रोडक्शन मैनेजर के एसएचए असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर उनके साथ में था, जिसमें वरदान, हीरा और पत्थर और दूसरी जो इन्होंने हिंदी पिक्चर बनाई गायत्री में, जी 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 जी, उसमें भी मैं साथ में था जी. और प्रोडक्शन करते करते मैं म्यूजिशियन भी था, तो म्यूजिशियन में मेरा फर्स्ट जो करियर चालू हुआ वो आर.डी. बर्मन, यानी कि हमारे आर.डी. बर्मन साहब के साथ इन्होंने हमारे बहुत ही ठीक से. हाँ, जो मेरी पहली पिक्चर थी वो ढोंगी फिल्म थी जो 1975 में बनी, और वो गाना था हाय रे हाय तेरा घूमटा. हाय रे हाय तेरा घूमटा, वही वही ना. जी जी बिल्कुल. तो ये पीयूष भाई ने जो बताया कि आर.डी. बर्मन साहब, मुझे आर.डी. बर्मन साहब की कुछ निजी बातें जानने में बहुत इंटरेस्ट है. दर्शकों को ये बताइए कि आर.डी. साहब कैसे मेहनत करते थे, आर.डी. साहब की खूबियां क्या थी. आर.डी. साहब ने जिस तरीके से इस फिल्म इंडस्ट्री को जो परोसा, क्या आज तक किसी और ने इस टाइप की काबिलियत या इस टाइप की कोई चीजें पेश की है क्या आपके हिसाब से?
जी मेरे हिसाब से पंचमदा वॉज जीनियस, उन्होंने जो काम किया है वो आज तक किसी ने भी उस हिसाब से नहीं किया है जो लोग जो पंचमदा ने मेलोडियस वेस्टर्नाइज भी होते हुए भी न शोरू शराबा होते हुए भी उन्होंने जो मेलोडियस गाने बनाए वैसे अब तक इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग जो उनकी जानकारी के हिसाब से किए हैं, साउंड के भी प्रयोग किए हैं, जैसे कि सत्ते पे सत्ता में वो गरारे का भी प्रयोग किया है ना बैकग्राउंड में, तो वो जो है वो अकेले ही ये है। मुझे वो गाना सुनाइए जो जिसमें आप चाहते हैं कि जो उन्होंने बीच में कोई ऐसा प्रयोग किया हो। जी हाँ, प्रयोग तो ऐसे है कि जैसे सांस का जो योगा में करते ये करते हैं, तो ये साउंड का भी उन्होंने अपने गानों में इस तरह से इस्तेमाल किया है कि आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया, हिंदी इंडस्ट्री में कोई सोच भी नहीं सकता और किसी ने लाया भी नहीं। आहा, तो चीज है। तो पीयूष भाई ने आर डी बर्मन साहब के साथ में काम किया, इसके अलावा इन्होंने कल्याण जी आनंद जी साहब के साथ, इन्होंने और भी कई लेजेंड लोगों के साथ में काम किया, भूपेन हजारिका साहब है उनके साथ में भी शोज़ और इनके पिताजी ने जो जो काम किया है, थोड़ा सा मैं उनके बारे में भी बताने लालच में रोक नहीं पा रहा हूँ पीयूष भाई, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब करके बीच में पिताजी के बारे में भी थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। पिताजी ने माला सिन्हा जी की हर पिक्चर की तकरीबन हर पिक्चर की पब्लिसिटी संभाली थी, रामानंद सागर से रामानंद सागर की घूंघट जब जेमिनी चल रहा था तो उस जमाने में जेमिनी की अंडर में जब रामानंद सागर काम करते थे और वहाँ पर वो लिखते थे पिक्चर लिखते थे, बी आर चोपड़ा साहब वो सब पिक्चर लिखते थे, जब वो लोग जर्नलिस्ट थे और वो लोग धीरे 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 फिल्म इंडस्ट्री में अपना कर रहे थे, अब उस वक्त एज अ फिल्म पब्लिसिस्ट वसंत भाई ने काम किया और जबरदस्त बॉक्स ऑफिस पर जो हिट लाए जी हाँ। वो शायद इनकी पब्लिसिटी का कमाल था। मैं समझता हूँ कि इस मौके पर इस अवसर पर मैं उनको ज़रूर याद कर रहा हूँ और हमने भी इनके साथ में काफ़ी वक्त गुजारा है तो मुझे याद है कि कैसी नोकझोंक होती थी। पीयूष भाई वापस आपके टॉपिक पर आ जाते हैं और ये बताते हैं कि जो गले में जिस तरीके की मुझे अभी खांसी आ गई, अगर किसी गायक को ऐसा कुछ होता था तो इसको खूबी में कैसे डालना, जैसे कल अपने एक बात की कि किशोर दा ने एक गाना था आपकी कसम फिल्म में, इसमें एक वो ऐड कर दिया, तो वो थोड़ा सा गाना सुनाइए मुझे। वो गाना था फिल्म आपकी कसम का, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, गा के बताइए ना। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, इसके लास्ट अंतरे में जो एक किशोर दा ने गाना गाते गाते एक एक्स्ट्रा कुछ अपने तरफ से वो कर दिया, लेकिन वो कभी पंचम दा ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी मुझे कि जो सरप्राइज ले अपने जो मतलब वो गाने को चार चांद लगा देती है, तो लास्ट में वो अंतरा है वो यही लाइन जो है वो बाद में आए वो फिर नहीं आते, क्या बात है, वो फिर नहीं आते, तो वो जो एक्स्ट्रा जो वो है उसका भी इस्तेमाल पिक्चर में भी इस तरह से किया। तो बर्मन साहब ने आर डी बर्मन साहब ने इसको बहुत सराहा जी आपके हिसाब से, या वो ऐसे बच्चे की तरह ऐसा उछल पड़े, जैसे उछल पड़ गए, उनको तो अनचाही जो चाहते थे वैसी चीज उनको मिल गई और वो इतने उछल पड़ गए जैसे छोटा बच्चा खुश हो जाता है, खुश हो जाता है सरप्राइज मिलने पर, बिल्कुल ऐसे ही खुश हो गया और किशोर दा के बहुत तारीफ उस गाने में उसके बाद में हुई जी, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से मतलब ये। और भी कोई ऐसी हसीन बातें अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं जी तो आप मुझे बताइए, जैसे कि तीसरी मंजिल, जैसे कि कारवा, आर डी बर्मन साहब के कई पिक्चरें, मेरे ख्याल से कारवा में भी उनका ही म्यूजिक था, कारवा में भी उनका जी, अगर क्योंकि मेरी तो गलती हो सकती है क्योंकि मैं म्यूजिक इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ दर्शकों की, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो आर डी बर्मन साहब के साथ काम किया
जैसे कारवा में या इसमें काम किया तो किस तरीके से उन्होंने प्रयोग किए थे, उसमें से एक और गाना मेरे को मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे। कारवा के टाइम पे मैं जस्ट नया नया मेंबर ही बना था, 73 में रिलीज हुई थी और 73 में मैं मेंबर बना। हमारे एसोसिएशन है सीने म्यूजिशियन एसोसिएशन, वो उनमें म्यूजिशियन के तौर पे मुझे मैंने मेंबरशिप मुझे हासिल हुई। जब आप मेंबरशिप की बात कर रहे हैं तो मुझे कल रात की एक बात याद आ रही कि मुझे उस नाम का डेफिनेटली यहाँ पर बताना है कि ये जो हमारे पीयूष भाई है, हिमेश रेशमिया के पिताजी है विपिन रेशमिया, इन्होंने इनको कुछ गाइडलाइंस कुछ टिप्स उस जमाने में दी थी, सही बात है? जी हाँ। तो ये मैं विपिन जी का भी इस वक्त ज़रूर ज़रूर बताऊंगा कि इन्होंने पीयूष जी को कुछ गाइड किया था, टिप्स दी थी। तो हाँ, आगे बताइए फिर क्या हुआ। तो विपिन जी के साथ में मैं 1968 से 69 तक मैं साथ में था। तभी बॉबी पिक्चर भी रिलीज़ हुई थी, तो वो जो बता रहे थे तो उनके साथ में मैं उनके खुद के जब भी म्यूजिक डायरेक्टर थे तो उनके पिक्चर की शूटिंग वगैरह जो उनके घर में होती थी तो वहाँ पे भी मैं अटेंड करता था। बिल्कुल एज ए म्यूजिशियन मेरे काफ़ी मतलब उन्होंने सोचा कि इनको म्यूजिशियन के मेम्बरशिप बनानी चाहिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारा स्थान बताइए जी और उन्होंने